अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, खैर बरकत से होंगे। तो आप हालत देख सकते हैं, कल मैंने बताया था कि फीवर होने वाला है, तो फीवर है। अभी मैं लगभग सुबह से बिस्तर पे ही हूँ, अभी उठा नहीं। मैं खाली मतलब सुबह ब्रेकफास्ट किया था, तो उसके बाद दवाई खाई थी, तब से अभी इधर ही हूँ। हालत ख़राब है, पूरा शरीर फीवर की वजह से दर्द कर रहा है। तो अभी थोड़ा अंदर जाते हैं, कुछ खा लेते हैं, फिर दवाई खा लेते हैं फिर से, क्योंकि 2 बज रहे हैं अभी। तो चलो, हालत आप देख सकते हैं, फीवर की वजह से यहाँ से एलर्जी निकल गई है कुछ। चलो चलते हैं। ओ भाई साहब, ये कांगरी कांगरी साथ नहीं छोड़ेगी। तो हल्का सा खांसी भी है, चक्कर आ रहे हैं फीवर से। चलो, तो खाना पीना हो गया और दवाई भी खा ली, तो वापस जाते हैं बिस्तर में सोने के लिए। रेस्ट करेंगे तभी ठीक हो जाएंगे। लाल, चलो चलते हैं रेस्ट लेने। तो ये हम पहले बिस्तर को ऐसे उठा लेते हैं, ये हमारी होगी कांगरी। तो चलो, बुखार की वजह से वो अजीब सी ठंड लग रही है। थोड़ी सी दवाई लगा लेते हैं। बिस्तर में बैठे बैठे इंसान कितना बोर हो जाता है, आप लोगों को भी एक्सपीरियंस होगा इसका। जब इंसान ठीक होता है उस टाइम अगर बिस्तर पे इंसान बिस्तर में बैठता है ना, तो मज़ा आता है। जब इंसान बीमार होता है तो फिर उस टाइम पे इंसान मतलब सोचता है बिस्तर को कब मैं फेंक दूँ और बाहर निकलूँ। तो मैं तंग हो रहा था बहुत ज़्यादा। एक बार मतलब कि मेरी गलती हो गई थी, जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो वो फॉलोअर्स के चक्कर में मैंने 100-200 फॉलोअर्स फेक बना लिए थे। तो वो कोई ट्रिक है ना, किसी फ्रेंड ने बना के दिए थे। तो ये लगभग 3-4 साल पहले की बात है, ना 3-4 साल, हाँ 2 या 3 साल की बात है ये। तब से मेरा अकाउंट पूरा फ्रीज हो गया है। मैं रील डालता हूँ, मैं कोई भी पोस्ट डालता हूँ, उसमें कोई असर नहीं होता है, ना व्यूज आते हैं, ना वायरल होता है, ना लाइक्स आते हैं, कुछ भी नहीं। तो इवन की जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनके पास भी नहीं जाता है मेरा मतलब कि पोस्ट, मतलब कि जो मेरे जान पहचान के हैं। तो मैं वही देख रहा था उसके साथ क्या किया जाए, मतलब कि इंस्टाग्राम अकाउंट वो मैं डिलीट कर दूँ, नया बनाऊँ, वही कंटिन्यू करके उसको कैसे मतलब कि एक्टिव में लाऊँ, मैं उसको जो अभी डेड हो चुका है उसको कैसे मैं मतलब ठीक करूँ। उसको मैं थोड़ा थोड़ा चेंजेस ला रहा था, मैं सोच रहा था थोड़ा चेंज लाने में देखते हैं फिर। और जो फॉलोअर्स थे मेरे उनको मैं रिमूव कर रहा हूँ, जो कि फेक फॉलोअर्स है उसमें, तो उनको रिमूव कर रहा हूँ। फिलहाल बिस्तर में बैठे बैठे यही काम कर रहा हूँ, तो फिर देखते हैं मतलब कि करीब करीब 1 महीने में फर्क पता चल जाएगा कि ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैं कुछ भी डालता हूँ ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं स्टोरी डालूँ, पोस्ट डालूँ, फ़ोटो डालूँ, रील डालूँ, कुछ भी डालूँ मतलब अपनी आईडी पे इंस्टाग्राम वाली, कुछ असर ही नहीं होता उस पर, पूरा डेड हो चुका है। तो अब मैं नया बना लेता, मगर एक चीज़ है मतलब कि
वो मतलब कि लगभग लगभग 2013-14 का अकाउंट है शायद, कि उसके साथ बहुत यादें जुड़ी हुई है। अगर मैं नया बनाऊंगा तो वो सारा कुछ डिलीट हो जाएगा, इस वजह से मैं सोच रहा था कि वो ही कंटिन्यू हो जाए अच्छे से, तो वरना मैं बनाने को नया भी बना सकता हूँ, वही फिर अच्छे से मतलब कि यूज़ करूँगा, कंटिन्यू करूँगा। फिलहाल इस पे देखते हैं, 1 महीना ट्राई करके, अगर ये अच्छे से चला तो ठीक, नहीं चला तो फिर मैं नया एक अकाउंट मतलब कि इस्तेमाल करूँगा, यूज़ करूँगा। तो फिलहाल इस पे कुछ काम करना है, रिमूव करना है सारे जो फॉलोअर्स हैं उनको, सबको रिमूव करना है। तो प्लीज़ द मुर्तज़ा के नाम से है, फॉलो कर लेना इंस्टा आईडी मेरी, और फेसबुक पे भी द मुर्तज़ा पेज है मेरा। तो व्लॉग्स आते रहेंगे, डेली व्लॉग्स, मैं आज बीमार हूँ फिर भी मैं कुछ ना कुछ बना ही रहा हूँ। तो फिलहाल अपने इंस्टा पे ही काम करते हैं कुछ टाइम, क्योंकि सो नहीं सकता, अगर मैं सोऊंगा ना फिर रात में जागना पड़ेगा, रात में नींद ही नहीं आती है फिर, अगर देर में इंसान सोता है तो। इसलिए यहाँ बैठे बैठे ही रेस्ट भी हो जाएगा और थोड़ा अपना काम भी हो जाएगा। अभी हमें कॉल आ गया है ननिहाल से, नाना नानी को आना है यहाँ पे। तो अभी हालत देखो, देख रहे हो हालत क्या हो चुकी है फीवर से, तो उनको लेके आना है, गाड़ी लेके यहीं से जाना है, तो फिर वो आ जाएंगे मेरे साथ में। तो अब क्या, अब उठना है ऐसी, अभी मतलब 4 बजने वाले हैं मगर हिम्मत ही नहीं है उठने की, फीवर से वो थोड़ा मतलब कि हड्डियों में वो जान नहीं है अभी। चलो चलते हैं, पहले उनको ले आते हैं। एक कांगरी को भी निकाल लेते हैं, पहले सॉक्स लगा लेते हैं, सॉक्स लगाने के लिए भी हिम्मत नहीं है। पहले पानी का एक गिलास पी लेते हैं। हमारी हालत टाइट हो चुकी है भाई साहब, ये हमारा भाई। ये बंदा एक है, थोड़ा मतलब कि बेचारा दिमाग से ये है, तो ये बंद, ये बेचारा भी बोल रहा है मैं भी बीमार हूँ, सुई लगा के अभी आ गया। तो निकलते हैं, पहले पहले गाड़ी का घूंघट उठा लेते हैं। तो अभी चलो गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाह, ओ कसम से हिम्मत ही नहीं है आज। ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, तो अभी 4-5 मिनट्स को स्टार्ट रखेंगे, उसके बाद हम फिर निकल जाएंगे। बिस्मिल्लाह करके निकलते हैं घर से। भाई की हालत खराब हो चुकी है आज, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ फीवर की वजह से एलर्जी निकल चुकी है। अभी हम जा रहे हैं नाना नानी को लेने। फीवर इंसान को हड्डियां तोड़ के रख देता है। भाई साहब ये धूल देख सकते हैं आप, ये धूल से हम बीमार हो जाते हैं। अब रास्ता भी देख सकते हैं कितना खराब रास्ता है, धूल कितनी है, बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे। ये गाड़ी आप देख सकते हैं
ऐसे खटखटा रही है ऐसे रोड की वजह से। ये परेशानी पता नहीं कब तक हमें उठानी है। रोड की हालत आप देख ही सकते हो, क्या कितनी ज्यादा बुरी हालत है रोड की। अभी तो अभी हमने कोजेरा क्रॉस कर लिया है। अभी हम नानी हाल पहुंच चुके हैं, यहाँ से हम चलो चलते हैं हम अंदर। चलो अंदर। तो चलो निकलते हैं यहाँ से। مے مرو تے جیون سے مستاوی کسا جو دیوان پاکستان بنا زو چون نا مے بسا یہ تنچ ماز یاس تو من کس کیو چے یا ماز واسہ کوا شاس تین کاری ہا تو نا ایمس کے کارو نا गोल गोल। बस मुझे रुक सुबह बहुत चावा सक पचन बिचने तुरे कुछ तरह अल तरह तो अभी हम अंदर चलते हैं। घूंघट वापस डाल देते हैं गाड़ी को। चलो कोते वाला वाला पाक Wala pakai, pakai. Pakai. Kita orang di. Wala sayi panen wala tu. Pak sayi panen. Pak. तो अभी हमारी चाय रेडी है। कश्मीरी कुलचा। ये क्या मना किया सर? मैंने वो नहीं किया ना। नहीं मैंने वो नहीं किया। तो ताई कौन? इमेशन क्या होता है? माशू। आपके आप क्या? हाँ। चुके खावा।
I'm चाय पी ली है हमने, अभी मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ सुबह से। नाना नानी भी आ गए हैं तो अभी फिलहाल अंदर उन्हीं के साथ बैठते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। ओ भाई साहब, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है, उतरता है फीवर फिर से वापस चढ़ जाता है, उतरता है फीवर फिर से वापस चढ़ जाता है। मैं अंदर बैठा था तो मुझे लग रहा था जैसे वापस फीवर अटैक कर रहा है, इस वजह से मेरे को लगता है मैं बिस्तर में ही बैठूंगा। तो देखते हैं उससे। ये ले ली हमने कांगरी, रखो इधर, पहले हम सॉक्स निकाल लेते हैं। तो मन नहीं करता है बिस्तर में बैठने का, मगर क्या करेंगे। तो हम बैठ चुके हैं बिस्तर में, तो अभी 6:30 हो रहे हैं, 6:30। फिलहाल हम यहीं पे बैठेंगे मोबाइल के साथ थोड़ा, फिर उसके बाद डिनर करके दवाई खा के सो जाएंगे। तो अभी तक मुझे लग रहा था मतलब फ़र्क है, ठीक हो रहा हूँ मैं शायद, मगर मैं अंदर बैठा ना आधा घंटा करीब किचन में, तो मुझे वापस लगने लगा, तो वो शरीर में वो दर्द जैसा, तो इस वजह से मैं वापस रूम में आ गया रेस्ट के लिए। अभी पिछली क्लिप के लगभग 2-2.5 घंटे बाद अभी हम शूट कर रहे हैं, तो अभी फिर वापस चढ़ने वाला है। तो अभी थोड़ा डिनर करेंगे हम, तो फिर उसके बाद दवाई खा के सो जाएंगे, क्योंकि पूरा शरीर फिर से दर्द करने लग रहा है। तो अभी उठते हैं खाना खाने। अभी हम वापस रूम में आ चुके हैं, मगर बुखार की वजह से हालत टाइट हो गई है मेरी, पूरा शरीर इतना दर्द कर रहा है कि पूछो मत। दवाई खा ली है, अब मैं सीधे जाता हूँ सोने के लिए। आज मैं कोई एडिटिंग नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, आज मैं सीधे सो जाऊँगा। बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ गया है, तो अभी सीधे जाते हैं सोने के लिए। तो आज के इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आता हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो लाइक शेयर। हालत ख़राब हो चुकी है, तो चलो चलते हैं, प्लीज़ प्रे फॉर मी। खुश रहो आप भी, हम भी खुश रहे, आपकी फैमिली भी खुश रहे, खैर बरकत से रहे। तो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।